الحمد لله وحده والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم "يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا मज्ज़ नाज्रिन कराम अल्लामक वरह लबरक गुज़त प्रोग्राम में शूरा अमरान के मजामी और उसमें पेश आने वाले वाक़ात का तस्कर किया गया उसके शुरू में गजबा बदर के वाक़ का बयान था और दरमियान में गजबा अहद का तस्करा भी आया आज के प्रोग्राम आज के प्रोग्राम में हम सूर निसा के मजामीन का तस्करा करेंगे सूरत निसा मदनी सूरत है क़ुरान पाक की तरतीब के अतबार से ये चौथी सूरत है और माकबल की सूरत के साथ इसका रब्त मुफसरीन ये बयान फरमाते हैं कि माकबल की सूरतों में जंगों का तस्करा था शराब बकरा के अंदर ग़ज़व़ा बदर का तस्करा आया सुर इमरान के अंदर गजवा उहद का तस्करा आया तो जंगों के बाद अमूमी तौर पर औरतों के लोंडियों के यतीमों के वाकयात बयान होते हैं तो इस सूरत के अंदर जैसा कि इसके नाम से जाहिर है सूरत उन्निसा, इसमें औरतों से मुतालिक अहकाम को बयान किया गया है लोंडियो बंदियों से मुत्ल अहकाम को बयान किया गया है और इसके इब्तदाई हिस्से में यतीमों से मुतालिक जो अहकाम हैं उनको वाजह तौर पर कुरान ने बयान किया है पहली आयत जो मैंने सूरत निसा के आपके सामने तिलावत की उसके अंदर अल्लाह अल्लाब्ज़त ने इंसान को पैदा करने की अपनी कुदरत का बयान फरमाया कि अल्लाह वो जात है कि जिसने एक ही नफ़ से तुम सबको पैदा किया तो इसका मकसद क्या है इस तखलीक का मकसद क्या है कि रब्बुल इज़्ज़त ने जो तुम्हें पैदा किया और इससे तुम्हारी नस्ल इंसानी को आगे बढ़ाया तो इसका मकसद है इतको रब्बकुम कि तुम अपने रब का तखवा इख्तियार करो अपने रब का डर अपने अंदर रखो परहेज़गारी इख्तियार करो इन अल्लाह अलैकुम रक़ीबा क्योंकि अल्लाह इज़्ज़त तुम पर निगहबान है तुम्हारी निगरानी कर रहा है उसके बाद अगली आयत के अंदर यतीमों का तस्करा आया कि वो शख़्स जिसके वालिद फौत हो जाए वो बच्चा जिसके वालिद फ़ौत हो गए अब उसके पीछे जो दीगर रिश्तेदार हैं उसके चचा हैं उसके मामू हैं खालू हैं फूफा हैं कोई भी है वो उसको अपनी कफालत में ले लेते हैं लेकिन अमूमी तौर पर क्या होता है कि कफालत में लेने का मकसद ये होता है कि बच्चे के माल को अपने हिस्से में कर लिया जाए बच्चे का माल हड़प लिया जाए यतीम है उसको क्या पता बच्चा है उसको क्या पता लेकिन इस्लाम ने इसके बहुत ही मजबूत और वाज अहकाम जिक्र किए हैं कि वलात तबद्दुल्खबीस अभी तैयब इला वलाताकलू कि तुम अपने हलाल माल में इनका माल का इजाफ़ा करके इनके माल को अपने माल के साथ मिला कर मत खाओ नापाक और पाक को इकट्ठा मत करो तो ये एक बहुत ही वाज हुक्म है कि यतीम के माल की हिफाज़त की जाए और जैसे अगली आयत के अंदर भी कहा अगर वो सरपरस्ती करने वाला अगर वो ख़ुद गनी है मालदार है तो उसको चाहिए कि वो सिर्फ़ यतीम के माल को यतीम पर ही ख़र्च करे उसमें से अपने ख़र्चे के लिए कुछ ना ले हाँ अगर वो ख़ुद सरपरस्त जो है वो ख़ुद ही बेचारा फ़क़ीर है वमन कान फ़कीन फलिया कुल मारूफ, तो वो यतीम के माल में से कुछ ना कुछ हल्का फुल्का मारूफ़ तरीके से मुनासिब तरीक़े से ले सकता है और फिर जब ये सारा मामला पूरा हो जाए फैन आनस तुम मिन हम रुशदन अगर तुम उनमें अक्लमंदी देख लो यानी वो बड़ा हो जाए हती इदा बल्गुन निकाह वो बालग हो जाए वो अक्लमंद और समझदार हो जाए तो तुम सारे का सारा माल उसको दे दो और उस पर गवाही बना लो तो ये यतीमों के साथ जो ताल्लुक़ है यतिमों के साथ जो मामला है उसकी वजाहत कुरान हकीम ने की है और इसमें हम सबको बहुत एहतियात की ज़रूरत है क्योंकि इंसान के साथ शैतान हर वक्त लगा हुआ है वो उसको वर्गलाएगा वो उसको कहेगा कि ये बच्चा है इसका माल है ठीक है तुम इस्तेमाल करो लेकिन कुरान हकीम ने सख्ती से मुमानियत फ़रमाई वला वालतालूह इस वारन अकबर कि तुम फजूल ख़र्ची में उनका माल खर्च ना करो कि ठीक है माल मुफ़्त दिल बेरहम है जितना मर्ज़ी खर्च किए जाओ बच्चे के नाम पर और इस तरह जल्दी जल्दी भी ख़र्च ना करो कि जब तक वो बच्चे हैं तब तक तुम्हारी ज़ैर सरपरस्ती हैं तब तक तो तुम उनके माल को इस्तेमाल कर सकते हो तो तुम जल्दी जल्दी उनका माल खर्च कर लो कि कहीं वो बड़े हो जाएंगे तो उनको देना पड़ेगा ऐसा भी ना करो तो यानी कि हर वो रास्ता जिससे किसी यतीम की हक तल्फी होती है जिससे किसी मस्किन की ग़रीब की हक तल्फी होती है शरीयत उसको बंद कर देती है आप किसी चोर रास्ते से शरीयत को इस्तेमाल करते हुए किसी यतीम का माल नहीं खा सकते इसी के साथ साथ इस सूरत की इब्तदा में औरतों के हकूक़ का भी तस्करा हुआ पहले तो ये कहा गया वन फिल यतामा फ़न के मसना वसूला सवरबा कि जो शख्स एक से ज़ायद शादी करना चाहता है तो उसके लिए इजाज़त है शरीत इस्लामिया में एक मर्द एक साथ चार शादियां कर सकता है चार से ज़्यादा की इजाज़त नहीं है कि एक साथ कोई शख्स चार से ज्यादा शादियां करे लेकिन एक से ज्यादा जब करेगा या चार तक करेगा उसके लिए एक शर्त लगा दी गई कि अदालत ज़रूरी है दोनों के दरमियान में इंसाफ ज़रूरी है दोनों के साथ बराबरी और मुसावात का ताल्लुक़ ज़रूरी है चाहे दो हैं चाहे दो बीवियाँ हैं तीन हैं या चार हैं सब के साथ हर चीज़ में बराबरी ज़रूरी है वक्त देने में भी बराबरी है नान नफ़का देने में भी बराबरी है रिहाइश देने में भी बराबरी है यानी जितने भी हकूक़ उसके साथ मतलक़ हैं उन सब में बराबरी करना ज़रूरी है और अगर वो बराबरी नहीं कर पाता और इनखिफ तुम अल्लाह तिलू अगर तुम बराबरी नहीं कर सकते तो फिर फवाहिदा पस एक पर इतफा करो यानी एक से ज़ायद करने की शर्त करार दिया बराबरी करने को इंसाफ करने को तो अगर कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए अगर नहीं कर सकते तो एक पर इतफा कीजिए यह शरीयत का हुक्म उसके बाद लिर रिजाल नसीब ममा तरक ववालदानबून वलिनसा नसीब उम तरक् ववालदावलरबूनक नसीबम मफरूज़ा किल्ला रब्ज़त ने मर्दों के लिए और औरतों के लिए विरासत और वसीयत के जो हिस्से हैं वो मुकर कर दिए हैं नसीबम मफरूा ये हिस्से मुकर किए हुए हैं तो यहाँ से इस सूरत के अंदर विरासत और वसीयत के अहकाम बयान हो रहे हैं रबुज़त फरमाते हैं कि मर्दों के लिए अलग हिस्सा है औरतों के लिए अलग हिस्सा है उन तमाम हिस्सों की तफसील क्या है वो अगले रकू में बयान हो रही है यूसिकम्ल्फी अवलादकुम किल्ला रब्ज़त तुम्हारी औलाद के बारे में तुम्हें वसीयत करता है तुम्हें नसीहत करता है तुम्हें इर्शाद फरमाता है कि तुम उनके दरम्या जो माल है उसको शरीयत के मुर करदा हिस्सों के मुताबिक तकसीम करो और फिर पूरे रकू के अंदर पूरी तरतीब बयान की है कि कोई शख़्स अगर फ़ोत हो जाता है तो उसके बाद देखा जाता है कि उसके वो में कौन लोग मौजूद हैं उसके वो रसा में उसके वालदेन हो सकते हैं उसके वो रसा में उसके बहन भाई हो सकते हैं उसके वो रसा में उसके बीवी बच्चे हो सकते हैं उसके वो रसा में उसके दीगर अजीज़ व अकारब भी शामिल हैं मुख्तलिफ शराइत हैं जिन शरात की बिना पर हर एक को उसका हिस्सा मिलता है ये पूरा एक इल्म है इल्मीरास ये कुरान हकीम ने खोल कर उसके असूल जवाब बयान किए हैं तो उसके मुताबिक मीरास को तकसीम करना और अगर मरने वाले ने कोई वसीयत की है तो वसीयत वो किस तरह नाफज होगी किस वक्त नाफि होगी कितने फ़ीसद नाफिज होगी किस हद तक नाफ़िज़ होगी ये सारा कुरान ने बयान किया और फिर ये भी कहा कि विरासत जब जारी करनी है विरासत का माल जब तकसीम करना है तो उससे पहले दो तीन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है एक तो ये कि जो कफ़न दफन का इंतज़ाम है वो भी उन पैसों में से किया जाएगा उसके बाद अगर कोई कर्ज लिया हुआ है मैत ने अगर उसने किसी के पैसे देने हैं तो सबसे पहले उसके माल में से वो कर्ज अदा किया जाएगा उसके बाद फिर देखा जाएगा कि क्या उसने कोई वसीयत की है तो फिर देखी जाएगी कि वो वसीयत किस हद तक की गई है और फिर उन्हीं शरात के मुताबिक कितने फ़ीसद वो वसीयत नाफिज होगी और उसके बाद फिर जितना माल बच जाएगा ये सारी चीज़ें अदा करने के बाद जितना माल बच जाएगा अब वह वो, वो रसा में उनके हिस्सों के हिसाब से तकसीम किया जाएगा तो ये सारा निज़ाम मीरास का बयान करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रमाया तिल का अल्लाह की हुदूद हैं ये अल्लाह की क़ायम करदा बाउंड्री है ये अल्लाह के कायम करदा शरीयत है जो इसके मुताबिक अमल करेगा वमई यहाँ व रसूल जो इसके मुताबिक अमल करेगा जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा अल्लाह पाक उसको जन्नत नसीब फ़रमाएंगे और जो इससे रूगरदानी करेगा वमई यहाँ व रसूल जो अल्लाह की नाफरमानी करेगा अल्लाह के रसूल की नाफरमानी करेगा तो उसके लिए जहन्म का आजाब तैयार है अच्छा दोनों जो वाकयात जिक्र किए एक ख़ास नुक्ते की तरफ इशारा दिलाना मकसूद है आप सब मुतवज्जे रहेंगे कि जब जन्नत का तस्कर फरमाया तब भी कहा खालदिनफीहा जहन्नम का तस्करा फरमाया तब भी कहा खालद नफी ये जो जन्नत का तस्करा करते हुए खालदी फीहा का इनाम आमाम जिक्र फरमाया ये जन्नत के तमाम इन पर भारी है जन्नत की तमाम नेमतें एक तरफ और उसके ऊपर जो खालदी फीआा की स्टम्प लगी है वो एक तरफ उसकी वजह क्या है कि दुनिया के अंदर भी हमें अगर कोई ऐसा शख्स मिलता है जिसको सारी नियमतें मिली हुई हैं हम किसी को तसवुर करें कि उसको दुनिया में सारी नियमतें मैसर हैं हर एक चीज़ उसको मैसर है इवन ये कि मिसाल के तौर तो पर फर्ज कर लें कि जन्नत की हर चीज़ उसको मैसर है लेकिन उसके साथ एक धड़का लगा हुआ है वो ये कि एक दिन इसने मर जाना है और ये सारी नियमतें उससे छूट जानी हैं तो वो एक धड़का उन सारी नियमतों के हकीकी लुत्फ को ख़त्म कर देता है इंसान सही तरीके से लुत्फ नहीं उठा पाता लेकिन जन्नत के अंदर जब इन तमाम नमतों के साथ खलूत की मोहर लगती है खालिदीन फी की मोहर लगती है तो अब उन जन्नतियों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता उनको कहा जाता है कि अब जब तक तुम यहाँ हो हमेशा रहोगे जो नमतें तुम्हें मयसर हैं हमेशा रहेंगी कभी तुमसे छीनी नहीं जाएंगी तो यह खुशी उन तमाम नियमतों की खुशी को दोबाला कर देती है और इसके साथ साथ जब यह खालिद फी का हुक्म जहन्नुम वालों के लिए लगता है तो उस वक्त ये सारे अजाब और तकलीफ एक तरफ लेकिन खालिदन फिया की जो मोहर लगी इन अजाबों पर उसकी तकलीफ एक तरफ उसकी मिसाल भी ऐसे ही है कि जैसे दुनिया के अंदर हम किसी शख्स को देखें कि कितनी ही ज़्यादा तकलीफ और मशक्क़त में है कितनी ही ज़्यादा परेशानी में घिरा हुआ है कितनी ही ज्यादा मुसीबतों में घिरा हुआ है लेकिन उसको एक आसरा तो होता है उसको एक सहारा होता है कि एक दिन मौत आएगी और ये सारी तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएंगी तो इस आसरे के बिना पर वो तकलीफ़ें झेल जाता है और मौत आती है ख़त्म हो जाता है लेकिन जहन्नुम के अंदर खुदा न खास्ता आजालिक कि किसी शख्स के साथ ये मामला हो जाए कि खालिद फ़िहा की मोहर लग जाए जहन्नुम के अंदर तो अब जहन्नुम की सारी तकलीफ़ें एक तरफ जितनी भी तकलीफें हैं लेकिन उनके साथ खालिदन फ़िया की मोहर कि हमेशा हमेशा इसी तकलीफ़ में रहोगे मौत को भी मौत आ जाएगी क़यामत के दिन तो जो जहन्नुम में जाएगा उसको मौत भी नहीं आएगी और वह हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम में रहेगा वो तकलीफें कभी ख़त्म नहीं होंगी उससे तो ये तकलीफ ये कभी ना ख़त्म होने वाली सोच की जो तकलीफ है ये तमाम तकलीफों के ऊपर और भी वजन का काम करती तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की जहन्नुम से और उसके अंदर खुलूद से हिफाज़त फरमाए उसके बाद अल्लाह इज़्ज़त ने आगे वल्लाफाश मिन नस्म यहाँ से बद किरदार औरतें और उनके अंजाम का ज़िक्र फरमाया उनका तरीकाकार क्या है उस पर किसी पर अगर किसी औरत पर कोई इल्ज़ाम लगता है किसी औरत पर कोई गुमराही का या बुराई का इल्ज़ाम लगता है किसी बदकारी का इल्ज़ाम लगता है तो उस पर अल्लाह ने फरमाया कि चार गवाह लेकर आओ चार गवाह अगर उसके बदकारी के हक में गवाही देते हैं तो उस वक्त उस पर फैसला कर दिया जाएगा और अगर गवाही नहीं पूरी होती तो फिर उस शख्स पर उस औरत पर तोहमत नहीं लगाई जा सकती यह कुरान का वाज हुक्म है और इसी तरह मर्दों के बारे में भी इरशाद फरमाया कि अगर दो मर्द बदकारी करते हैं तो फिर उनको भी सजा देना ज़रूरी है यहाँ तक कि वो तौबा कर लें और अपनी इस्लाह कर लें अगर वो तौबा करके अपनी इस्लाह कर लेंगे तो अल्लाह अल्लाह अल्ला आलमीन उनको माफ फरमा देंगे लेकिन अगर वो इस्लाह नहीं करेंगे तो फिर अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है इसी तरह अगले रकू के अंदर उससे पहले यह फरमायादी आमनु ला तरिसन सासा अकरा कि तुम औरतों के माल के ज़बरदस्ती वारिस ना बन जाओ औरतें अगर अपने साथ कोई माल लेकर आई हैं उनके नाम कोई ज़मीन जायदाद है उनके वालिदैन ने उनके सुपुर्द कोई मालो दौलत किया हुआ है तो तुम उसके वारिस नहीं हो वो औरतें खुद उसकी मालिक हैं अगर उनके ज़िम्मे तुमने कोई महर उनको दिया है उनके हक़ में कोई महर लिखा है तो वो भी उसकी मालिक हैं और तुम उनसे ज़बरदस्ती माफ़ भी नहीं करवा सकते माफ़ करवाने का भी एक तरीका है जिसको शरीयत ने बयान किया है ऐसे नहीं है कि आप उनको कुछ भी ना दें और माफ़ करवा लें बल्कि उसका एक तरीका है कि आप उनके हाथ में दे दें और एक हफ्ता या एक महीना तक उनके पास रहे फिर वो अपनी मर्जी से फैसला करें कि माफ़ करना है या नहीं फिर वो वापस देती हैं माफ़ करती हैं तो वो मोतबर है अदरवाइज़ नहीं इस तरह जो आखिरी रकू है इस पारे का हर्रमत अलैकुम उम महातुकम व बना तो कम तो यहाँ पर अल्लाह रबुज़त ने उन महरम औरतों का जिक्र किया जिनसे मर्द निकाह नहीं कर सकता वो कौन कौन है हर्रमत अलैकुम उम तुम्हारी माएँ व बना तो तुम्हारी बेटियाँ तुम्हारी बहनें तुम्हारी पुपियाँ तुम्हारी खलाएँ और फिर उसके बाद भतीजियाँ भांजियाँ और तुम्हारी रज़ाई माएँ रज़ाई माएँ वो होती हैं कि जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया हो तुम्हारी हकीकी माँ नहीं है लेकिन अगर तुमने किसी औरत का दूध पिया है तो वो तुम्हारी रज़ाई माँ है अब ना सिर्फ़ उससे तुम्हारा निकाह हराम है बल्कि उसकी बेटी से भी तुम्हारा निकाह हराम है वो तुम्हारी रज़ाई बहन बन गई और इसी तरह आगे फिर और भी औरतों को ज़िक्र फरमाया जिनसे निकाह नहीं हो सकता जिसमें तुम्हारी सास है मर्द का अपनी सास से निकाह भी जायज़ नहीं है मर्द का अपनी बहू से निकाह भी जायज़ नहीं है मर्द का उस लड़की से निकाह भी जायज़ नहीं है जो उसकी बीवी से है लेकिन किसी और शोहर से कि अगर किसी मर्द ने किसी ऐसी औरत से निकाह किया है जिसका पहले से कहीं निकाह था और वो टूट गया या वो ख़त्म हो गया या शौरफौत हो गया और, और उससे उसकी है। बेटियां हैं अब वो वो बेटियाँ भी अपने साथ लाई है तो ये बेटियां भी इस शौहर की बेटियां बन जाएंगी अब ये शौहर भी उन बेटियों से निकाह नहीं कर सकता तो ये कुरान हकीम ने वाज तौर पर कवानी को जिक्र फरमाया कि कौन सी औरतें हैं कि जिनसे निकाह जायज़ है कौन सी औरतें हैं जिनसे निकाह जायज़ नहीं है इसके अलावा तमाम औरतों से निकाह जायज़ है किसी की बीवी से निकाह जायज़ नहीं अपनी पुपी अपनी खाला से निकाह जायज़ नहीं दो बहनों को एक साथ निकाह में इकट्ठा करना जायज़ नहीं अगर आपने किसी लड़की से निकाह किया है तो उसके साथ उसकी बहन के साथ निकाह नहीं कर सकते हाँ अगर वो फौत हो जाती है पहले वाली बहन या उसको तलाक हो जाती है किसी वजह से जुदाई हो जाती है निकाह ख़त्म हो जाता है फिर आप कर सकते हैं इसी तरह एक निकाह में एक लड़की को और उसकी खाला को भी आप इकट्ठा नहीं कर सकते एक लड़की को और उसकी फूफी को भी आप इकट्ठा नहीं कर सकते यह कुरान का हुक्म इसके अलावा आप तमाम औरतों से निकाह कर सकते हैं और सास के लिए भी ये जायज़ नहीं कि वो अपने दामाद से निकाह कर सके सुसर के लिए भी जायज़ नहीं कि वो अपनी बहू से निकाह कर सके तो ये पूरा एक खानदानी निज़ाम अल्लाह रबुल्जत ने इनायत फरमाया है और इसी से हमें पर्दे का हुक्म भी समझ में आता है कि वो औरतें जिनसे आपका सारी जिंदगी में किसी भी वक्त निकाह जायज नहीं है उनसे आपका पर्दा भी नहीं है माँ से निकाह जायज़ नहीं माँ से पर्दा भी नहीं बहन से निकाह जायज़ नहीं बहन से पर्दा भी नहीं पुप्फो से निकाह जायज़ नहीं पुप्फों से पर्दा भी नहीं मैं मर्द की बात कर रहा हूँ खाला से निकाह जायज़ नहीं खाला से पर्दा भी नहीं लेकिन इसके बरक्स जो है बाकी सबसे पर्दा है शरीयत ने अपने उसूल बता दिए अपना दायरा बता दिया शरीयत में देवर से पर्दा है देवर का भाभी से पर्दा है ये हमारे जो आजकल के कजन हैं इन सब का आपस में पर्दा है जब भी वो बलूकत को पहुँच जाए बड़े हो जाए मर्द का अपनी चच्ची से पर्दा है लड़की का अपने फुफ्फा से पर्दा है लड़की का अपने किसी भी अंकल से चाचू से पर्दा नहीं है मामू से पर्दा नहीं है खालू से पर्दा है फुफ्फा से पर्दा है क्योंकि इन सब से निकाह हो सकता है तो किसी भी सूरत में कभी भी कोई निकाह हो सकता है तो उससे पर्दा जरूरी है जिससे निकाह नहीं हो सकता उससे पर्दा भी जरूरी नहीं तो इस बात का भी हमने ख्याल रखना है इसी को कुरान ने आगे बयान किया वलमोसनात उमिनसा कि जो अफीफ औरतें हैं पाक दामन औरतें हैं तो पर्दा करने वाली औरतों को कुरान ने पाक दामन औरतें करार दिया है आगे सराहज़ाब के अंदर इसकी मजीद वजाहत आएगी उसके बाद अल्लाह इज़्ज़त ने अगले रकू के अंदर फ़रया अर्रजावाम बिमा फल्लाबाज मर्द और औरत का रुतबा बयान फरमाया कि अल्लाह ताला ने मर्द को फजीलत अता फरमाई है उस फजीलत के भी कुछ असबाब हैं हम ऐसे ही नहीं कह सकते कि मर्द अफजल है मर्द तब अफजल है जब वो अपनी अफजलियत के तमाम असबाब को इख्तियार कर रहा है जब उसके ज़िम्मे जो काम लगाए गए हैं वो उन कामों को इख्तियार कर रहा है तब वो अफजल है अर्रिजालकौाम मर्द क्यवाम है मर्द घर को चलाने का ज़रिया है मर्द घर संभालने का ज़रिया है मर्द घर की इज्जत को संभालने का ज़रिया है मर्द घर के माश को संभालने का ज़रिया है मर्द घर के नान नफे को संभालने का ज़रिया है अगर ये वो तमाम जिम्मेदारियां अहसन तरीके से पूरा कर रहा है तब वो क्यवाम है तब वो अफजल है अगर वो अपनी जिम्मेदारियां अदा नहीं कर रहा अगर वो घर बैठा है वो औरत को कहते कि तू जाकर कमा कर ला वो औरत की कमाई खाता है तो यहाँ पर औरत की बन जाएगी जो घर की जिम्मेदारी उठा रही है जो भी अपने बच्चों को पाल रही है जो घर का निज़ाम चला रही है तो इसमें देखने की ज़रूरत है कि बिला वजह ही मर्द की नहीं है बल्कि मर्द की अफजलियत उसके उन औसाफ की वजह से है जो औसाफ अल्लाह ने उसके अंदर रखे हैं और उनका तकाजा किया जाता है कि वो पूरे किए जाएं अगर वो पूरे होंगे तब जाकर मर्द किवाम और मर्द की किवामियत और मर्द की अफजलियत साबित होती तो यहाँ पर अल्लाह पाक ने वाज तौर पर इसको बयान फरमा दी और फिर कहा कि फ़साल हाथानता हाफिजात बिमा हाफिज़ अल्लाह कि जब मर्द केवाम होगा तो औरत का काम क्या है क्या वो मर्द की फरमाबर्दारी करे शरीयत इस्लाम के दायरे में रहते हुए अपने मर्द की फरमाबरदारी करे वो जिस काम से रोकता है उससे रुक जाए जिस काम को करने का हुक्म देता है वो कर ले शरीयत का दायरा ज़रूरी है उस दायरे में रहते हुए औरत काम कर सकती है तो उन औरतों के बारे में कहा गया कि ये वो नेक औरतें हैं फरमाबरदार औरतें हैं जो ग़ैब में भी अपनी इज़्ज़त की हिफाज़त करती हैं अपने मर्द के लिए अपने आप को बचा कर रखती हैं उनके बारे में शरीयत कहती है कि ये नेक औरतें हैं तो इसी तरह फिर अल्लाह इज्जत ने आगे ये फरमाया कि तुम भी अपने मालों को ख़र्च करने में बुखल से काम ना लो अपने घरवालों पर अपने आयाल पर खूब अच्छी तरीके से खर्च करो अब जैसा कि माह रमज़ान है बाबरकत महीना है इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा खर्च किया जाए और आपके खर्च का सबसे पहला मसरफ आपके अपने अहलआयाल हैं आपका अपना घर बार है जितना ज़्यादा ख़र्च करेंगे उतनी ज़्यादा बरकत आएगी इसी तरह उस अगले रकू के अंदर अल्लाह रबुल्ज़त ने नमाज और पाकी ना पाकी के कुछ अहकाम को बयान किया फरमायादी आमनू ला तक्रबलात व अन तुम सकारा कि जब तुम नशे की हालत में हो जब तुम गैर हालत में हो तो तुम नमाज के करीब मत जाओ इसी से सेमाय कराम ने और बहुत से मसाइल निकाले हैं कि किस तरह के कपड़ों में नमाज पढ़नी चाहिए किस तरह के हलिये में नमाज पढ़नी चाहिए ऐसा हुलिया जिस हुलिये में आप अपने किसी दोस्त से ना मिल सकते हो अपने किसी घरवाले का सामना ना कर सकते हो जैसे मिसाल तौर पर आजकल कुछ लोग करते हैं कि चलो कोई नहीं नीचे कुछ और पहना हुआ ऊपर कुछ आए, और पहना हुआ रंग बिरंगा पहन के नमाज पढ़ लेते नमाज तो हो ही जाएगी जी लेकिन जब किसी से मिलने के लिए जाएंगे कोई दोस्त अहबाब आए आ रहे होंगे किसी मेहमान से मिलना होगा तब बड़ा टीप टाप और तैयार होकर जाएंगे तो ये गलत है कि अल्लाह भी हया करता है अल्लाह के सामने हमें भी हया होनी चाहिए हम भी अपने आप को उसी तरीके से तैयार करें जिस तरह किसी आम आदमी से मिलने के लिए जाते हैं तो जब बारगाह इलाही के दरबार में जा रहे हैं तो उसके लिहाज से तो और ज़्यादा तैयार होना चाहिए तो इसी आयत से ये दीगर मफाहिम भी निकलते हैं कि जब तुम हालत गैर में हो हालत नशे में हो या किसी भी ऐसी हालत में हो कि जिसमें तुम किसी और के सामने होना पसंद नहीं करते तो नमाज में कैसे आ सकते तो यहां पर ये वैसे तो नशे के बारे में है कि जब शराब की हरमत नाजिल हो रही थी तो उस वक्त ये एक दर्जे के तौर पर एक ग्रेजुअल जब इसको बयान किया जा रहा था तब एक दर्जा आया था कि नमाज की हालत में तुम नशा मत करो यानी नशे की हालत में जब तुम हो उस वक्त नमाज अदा करने मस्जिद में मत आओ तो इस वक्त भी कुछ लोगों ने शराब पीना छोड़ दी थी कि ये शराब ऐसी चीज है कि जो अल्लाह को अपने दरबार में आते हुए पसंद नहीं है उसके बाद अल्लाह इज्जत ने आगे इरशाद फरमाया कि जब तुम सफर में हो और या जब तुम किसी ऐसी जगह पर हो कि जहां पर तुम्हें पानी मुयसर नहीं है तो वहां पर तुम तैयम कर सकते हो तैयम के अहकाम जिक्र किए शरीत इस्लामिया में बहुत आसानियां मौजूद हैं उम्मत मुसलिमा के लिए वो वो आसानियाँ मौजूद हैं जो पहली उम्मत के लिए नहीं थी सूर्य बकरा की आखिरी आयात के अंदर बहुत ही खूबसूरत दुआ जिक्र की गई है रबना वाला तहमिला इस कमा हमल तह अल मिन कबलना कि या अल्लाह हम पर ऐसा बोझ मत डालना जो हमसे पुरानी उम्मतों पर डाला गया था पुरानी उम्मतों पर क्या बोझ था कि कपड़ा नापाक हो जाता तो काटना पड़ता था धोने से पाक नहीं होता था कोई गुनाह करता था उसके घर के बाहर लिखा जाता था यह गुनाहगार का घर है और बहुत सी चीज़ें थी लेकिन इस समत मुस्लिमा पर एहसान है कि ये सब चीज़ें नहीं होती अगर पानी नहीं है आप तैमूम कर सकते हैं मट्टी पर दो हाथ मारें उससे अपने चेहरे पर मल लें और अपने बाजुओं पर मल लें आपका गुसल भी हो गया आपका वज़ू भी हो गया अगर पानी नहीं है तो वो सारी शराइ आगे मसाइल में आएंगी कि कब कब तैम जाहिर हो सकता है कब कब तैम नहीं हो सकता है वो सारी फिर आगे तफसील के हैं उसको बाद में देखेंगे तो ये चीज़ें हमने देखनी है कि शरीयत इस्लामी का इस वक्त का हमसे तकाजा क्या है कहते हैं इलम किसको कहते हैं इलम इस चीज़ को जानने का नाम है कि इस वक्त मुझे क्या दरकार है इस वक्त मुझे क्या चाहिए और शरीयत इस्लामिया मुझसे इस वक्त क्या चाहती है इतना इलम हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है उसके बाद अल्लाह इज़्ज़त ने अगले रकू के अंदर फरमाया अलम तरा इदीना ऊतू नसीब मिनल किताब यु मिनु नबिलजिपत कि क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिनको किताब में से हिस्सा दिया गया है लेकिन फिर भी वो बुतों और शैतानों को मानते हैं और कुफ़ार के बारे में कहते हैं कि ये लोग सीधे रास्ते पर यानी जिनको शरीयत इस्लामिया दिखा दी गई जिनको सीधा रास्ता दिखा दिया गया हक़ और सच के दरमान तमीज़ करके बता दी गई उसके बावजूद भी वो लोग अपनी सरिश से हटने को तैयार नहीं हैं ऐसे लोगों के बारे में भी फिर कुरान का फ़ैसला है कि ख़त्म अल्लाह कलूब इहम वालसम इहम वालसारिम गा कि जब कोई शख़्स हक और बादल को सामने देखने के बाद हर चीज़ को वाज़ तौर से समझ लेने के बाद और अगर उसने किसी मुआवजे का मुतालबा किया है और मुआवजा जाहिर हो गया उसके बावजूद भी वो सीधे रास्ते पर नहीं आता है अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके तमाम हिदायत के रास्तों को बंद फरमा देता है उसकी आंखों पर उसके कानों पर उसके जबानों पर मोहर लग जाती है उसके दिल बंद हो जाता है अब उसके दिल पर कोई भी नेकी की बात असर नहीं कर सकती और यह गुनाहों की कसरत से होता है आगे आएगा हदीस में भी आता है कि कोई शख्स जब गुनाह करता है उसके दिल पर एक स्याह नुकता लग जाता है और फिर गुनाह करता रहता है सयाह नुकता बढ़ता चला जाता है तोबा कर लेता है वो साफ हो जाता है फिर गुनाह करता है वो नुकता बढ़ जाता है तोबा नहीं करता यहां तक उसका पूरा दिल स्या हो जाता है और जब पूरा दिल स्या हो गया अब उसको नेकी की तोफीक मिलना भी बंद हो गई तो इस चीज से अपने आप को बचाएं जब भी गुनाह हो जाए तोबा जरूर करें तोबा से ना घबराएं अल्लाह से कभी मत शर्माएं अल्लाह को दोस्त बनाकर रखें जैसे हम अपने दोस्त से कुछ भी शेयर कर लेते हैं अल्लाह से कुछ भी शेयर करने वाले बने कोई भी मसला हो हदीस में आता है कि तस्मा भी टूट जाए जूते का तो अल्लाह से मांगो तो हम अपना हर गुनाह अल्लाह के सामने रख दें और उससे माफ़ी मांग लें अल्लाह माफ़ कर देंगे जो गुनाह से तोबा नहीं करता वो पुख्ता हो जाता उसके ऊपर तोबा करना जरूरी तोबा से कभी ना शरमाए अगले रकू के अंदर अल्लाह इज्जत ने इर्शाद फरमाया यादी आमनु खुद हज़र कम फ़न फिरु सुबातिन अविन फिर जमीआ अब ये जिहाद के बारे में हुक्म है कि जब भी तुम निकलो जमात बनाकर निकलो और किसी भी किस्म का जिहाद हो देखें जिहाद की बहुत सी अकसाम हैं जिहाद बिल कलम है जिहाद बिल इल्म है, है आप इस वक्त इल्म वाला जिहाद कर रहे हैं कुछ लोग कलम से जिहाद करते हैं हक बात कहना यह जिहाद है जाबिर बादशाह के सामने हक बात कहना जिहाद है तो ये इस तरह किसी भी किस्म का कोई हुक्म आपके ऊपर आता है उस पर अमल करना ये जिहाद है अल्लाह के रास्ते में कोशिश है वो आपने करनी है और उसका एक हुक्म किताल का है एक दर्जा उसका किताल का है तो जब किताल का हुक्म आएगा उसकी शराय पूरी होंगी उसके लिए भी हम हाजिर हैं अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए अल्लाह के दीन को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए जिस तरह की कुर्बानी भी मानी जाए एक मोमिन को उसके लिए तैयार होना चाहिए उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगले रकू के अंदर इरशाद फरमाया फमा लकुम फिल वल्लाहु वरकस बिमा कसब कि तुम्हें ऐसा क्या हो गया है कि तुम मुनाफिक के बारे में अलग अलग राय का शिकार हो रहे हो हालाँकि मुनाफिकीन की तमाम मुनाफत तो वाज हो गई है मुनाफे कौन लोग होते हैं कि जो दिल से इस्लाम कबूल नहीं करते जो सिर्फ़ अपने ज़ाहरी हुलिये से अपने आप को मुसलमान बताते हैं लेकिन हकीकत में अंदर से वो कुफ़ार के साथ मिले हुए हैं और ये तारीफ़ सिर्फ़ कुफर और इस्लाम के साथ ही नहीं है बल्कि हर वो ऐसा शख्स जिसके कौल और फ़ेल में तज़ाद होगा जो कुछ कहेगा और कुछ करेगा कहेगा कुछ और करेगा कुछ और वो मुनाफत की इस तारीफ में दाखिल है युहाद्लादीन आमू कुरान का हुक्म है कि जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल को और मोमिन को धोखा देता है हकीकत में तो वो अपने आप को धोखा दे रहा है मुनाफिक आदमी ये समझ रहा होता है कि मैं शायद दोनों को धोखा दे रहा हूँ उनकी तरफ जाते हैं तो उनके साथ हो जाते हैं उनकी तरफ जाते हैं तो उनके साथ हो जाते हैं लेकिन हकीकत में अल्लाह को तो सब पता है अल्लाह ताला फरमाते हैं अपने आप को धोखा दे रहे हैं तो इस एतबार से आजकल की दुनिया में भी हमारे आमने सामने भी कुछ लोग अगर इस तरह के हैं तो वो उसी सफ़ में शामिल है उससे हमें पनह मांगनी चाहिए क्योंकि अल्लाह रबुजत ने मुनाफिकों के लिए क्या फरमाया है कि जहन्नम का सबसे आखिरी जो हिस्सा आखिरी कोना है वो मुनाफिक के लिए है तो अल्लाह रबुल्जत हम सबकी इससे हिफाजत फरमाए और उसके बाद इस पारे के आखिर में अल्लाह इज़्ज़त ने इन मुनाफिकीन के तस्करे के बाद ये कहा कि इन मुनाफिकीन फिर दरकिल असफली मिनंद नार कि वो दुनिया जहन्नम के सबसे निचले दर्जे के अंदर होंगे और उनका कोई मददगार नहीं होगा इला दिन ताबू वही बात आ गई कि कोई भी शख्स तौबा कर ले दुनिया की ज़िंदगी के अंदर कोई भी शख्स तौबा कर लेगा दुनियावी ज़िंदगी के अंदर तौबा कर लेगा अल्ला पाक उसको माफ़ कर देंगे दो ऐसी स्टेजेस बताई हैं कि जिनमें तोबा कबूल नहीं होती उसके अलावा सबकी तोबा कबूल हो जाती है एक वो शख्स जिसको अपनी मौत सामने नजर आने लग जाए जिसकी मौत वाजे हो जाए उसको पता चल जाए कि अब मैंने मर जाना है और अब वो कहता है कि मैं तोबा करता हूँ अल्लाह ताला कहते हैं कि नहीं अब तोबा का दरवाज़ा बंद हो गया और इस तरह कोई शख्स अगर मर जाता है कुफर की हालत में मर गया शिर की हालत में मर गया अब चाहे उसके पीछे उसकी औलाद उसके जितने लोग सदका जारिया करते रहें पढ़ पढ़ के उसको बख्शते रहें उसकी तोबा कबूल नहीं होगी उसके ज़िम्मे आप कोई भी अमल उसके हिस्से में नहीं लिखा जाएगा तो ये इससे पहले पहले अपनी तोबा कर लेना अपने अमाल को सीधा कर लेना ये बहुत ज़रूरी है अल्लाह इज़्ज़त से दुआ है कि इस माह मुबारक के सदक़े हमें ना सिर्फ़ तमाम गुनाहों से तोबा करने की तौफीक नसीब फ़रमाए बल्कि अपनी आइंदा ज़िंदगी के अंदर जो हमारा अगला पूरा साल है अगले रमज़ान तक इसी माह मुबारक की प्रैक्टिस और इसी माह मुबारक के अंदर जो हम अपनी मशक करते हैं अपने आप को अल्लाह के अहकाम का पाबंद बनाते हैं पूरा साल इसी पाबंदी के साथ गुजारने की तोफ़ी नसीब फ़रमाए और पूरे जोश व ख़रोश के साथ दोबारा अगला रमज़ान मबारक नसीब फ़रमाए वाना अनुदल रबालमी ISP